फास्टनर्स, फास्टनर्स की वेटेज 10% है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, दैट इज फ्रॉम फिश बॉल्स। ठीक है, आपको फिश फास्टनर्स याद रखनी है। सेकंड जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्पाइक्स के ऊपर आता है बार बार, कौन सा स्पाइक यूज करा जाता है। ठीक है, थर्ड एक हमारे जॉइंट्स के ऊपर कुछ पेट क्वेश्चन है, कौन सा जॉइंट्स आजकल यूज नहीं करते। ये तीन चार पार्ट्स में आपका सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फास्टनर्स में समझते हैं, सबसे पहले फास्टनर्स किस लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। सबसे ज्यादा फेलियर कहाँ पे है हमारा? जॉइंट्स पे। जब एक रेल और दूसरी रेल जोड़ेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा फेलियर के चांसेस। तो रेल्स को जोड़ने के साथ साथ हमें क्या लगाने पड़ते हैं वहां पे, जो यूज करेंगे फास्टनर्स यूज करे जाते हैं। अब सबसे पहले रेल जॉइंट्स किस तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वेयर जॉइंट और एक होता है स्टैगर्ड जॉइंट। स्क्वेयर जॉइंट में क्या होता है, अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल डायरेक्शन में यहां पे देखेंगे, मेरे सारे जॉइंट्स लेफ्ट पे भी वहीं पे है ट्रैक पे, आउटर रेल पे भी वहीं है, इनर रेल पे भी वहीं है, मतलब बिल्कुल बराबरी में पैरेलल में चल रहे हैं जॉइंट्स, तो वो क्या हो रहे हैं आपके स्क्वेयर जॉइंट्स। और स्टैगर्ड जॉइंट्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, कि यहां पे फिर एक इधर और एक इधर, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। तो कौन से आप प्रेफर करोगे, स्क्वेयर करोगे या स्टैगर्ड करोगे? स्टैगर्ड। क्यों? डिफेक्ट। देखिए स्क्वेयर में क्या होगा, लेफ्ट राइट की वेयर एंड टियर बराबर होगी, और अगर लेफ्ट भी लूज हो गया और राइट भी लूज हो गया तो क्या होगा, हमारा फेलियर हो जाएगा, हमारा फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, डीरेल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलर इसी के ऊपर देखिए, ये अब क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रही है। जब हमने कहा कि ट्रेन आ रही है तो क्या आ रहे हैं, वाइब्रेशन। और कब वाइब्रेशन आती है, बिल्डिंग की अगर बात करें वाइब्रेशन कब आती है, अर्थक्वेक। वेरी गुड, अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशन आती हैं। तो अर्थक्वेक के लिए भी कुछ हम ऑल्टरनेट सिस्टम करते हैं बिल्डिंग में, जैसे आप आईएस कोड की, तो ठीक है, तो हम आपस स्टैंडर्ड की आईएस कोड, तो जहां पे हमें नहीं समझ है हमने आईएस कोड का नाम तो ले ही देना, ठीक है, प्रैक्टिकली तो कर रहे नहीं कर रहे। अब हमें को ये बताइए, देखिए गुजरात में अर्थक्वेक आए थे, ठीक है, वहां के हमने एक एनालिसिस या जो भी रिसर्चर्स हैं उसमें एनालिसिस करी उन्होंने, तो हमने उसकी स्टडी करी, उसमें क्या था कि आखिरी में हम रिंग्स यूज करते हैं, रिंग्स यूज कर रहे हैं, रिंग्स आर कॉल्ड स्टिरप्स, स्टिरप्स यूज करते हैं ना कॉलम में जी, ठीक है। इस तरह का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये मेरा स्क्वेयर कॉलम है, ये क्या होगी मेन एनफोर्समेंट होगी, और ये क्या हो जाती है हुक, हुक क्लियर है, हुक प्रोवाइड करते हैं हम। तो देखिए क्या देखा, बिल्डिंग्स के जब वो फेलियर हुई, जब वो गिर गई, उसके बाद जब देखा जाए तो सारे हुक्स एक जगह पे पाए गए, मतलब सारी बिल्डिंग के हुक्स एक जगह पे। इसका मतलब क्या है कि हुक फेलियर हुआ, हुक्स खुल गए, अर्थक्वेक आया, हुक्स खुल गए, हुक्स खुले, उसके कारण क्या होगा, ये मेरे को क्या करते हैं ज्वाइन करके रखती है, ज्वाइन करके रख रही है ना चारों मेन इन्फोर्समेंट्स को या छह इन्फोर्समेंट्स को, तो उनके क्या हो गए ज्वाइंट्स खुल गए, अल्टीमेटली क्या हो गया फेलियर हो गया, राइट, फेलियर हो गया। तो आजकल क्या प्रैक्टिस चलती है, उसके बाद से क्या प्रैक्टिस चलती है, अब जब फील्ड में हम ये हुक लगाते हैं, हुक तो लगाना ही है और तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो हुक भी आजकल हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट लगाते हैं, एक बार यहां लगाया, फिर एक बार अगले बार यहां लगाया, फिर तीसरी बार फिर ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब हुक्स को क्या कर रहे हैं यूज, हम प्रैक्टिकली ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं। एक में हुक पहले यहां लगा रहा है इस डायरेक्शन में, फिर अगले में यहां इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, या दो साइड्स ऑल्टरनेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब एक्स डायरेक्शन से आएगा या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन से तो अर्थक्वेक आ नहीं सकता, ऊपर से तो कभी नहीं आएगा, तो सर मेरे पास दो डायरेक्शन बनती है, एक्स बनती है और कौन सी बनती है जेड। मान लो एक्स डायरेक्शन वाले फेल हो गए हुक, एक ही तरफ से आएगा तो बाकी वाले हुक रह जाएंगे, समझे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट, वैसी सेम हमने क्या करा स्टैगर्ड जॉइंट्स इसमें यूज करे, हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं, अगर एक जगह पे फेलियर हो गया तो मेरे दूसरे फेलियर से मेरा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स, पहले हमने जॉइंट्स के अकॉर्डिंगली करा, सस्पेंडेड जॉइंट्स है, सपोर्टेड जॉइंट्स है और एक ब्रिज जॉइंट्स है। जब रेल जॉइंट प्लेस करते हैं सेंटर टू सेंटर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव स्लीपर्स नोन एज सस्पेंडेड जॉइंट, मतलब एक स्लीपर ये है और एक स्लीपर मेरा ये है, ये डिस्टेंस है बीच में, उसके बिल्कुल सेंटर में करोगे तो वो क्या होगा सस्पेंडेड जॉइंट्स बोले जाते हैं उसको। सपोर्टेड क्या करे जाते हैं, अगर आप स्लीपर के एग्जैक्टली अबव लगा रहे हो जॉइंट,
जहां पे आपने स्लीपर कास्ट करा उसके एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आप लगाया जा रहा है। थर्ड होते हैं ब्रिज जॉइंट्स। ब्रिज में क्या होता है, बिल्कुल स्लीपर टू स्लीपर आप सपोर्ट दे देते हो, स्लीपर टू स्लीपर आप सपोर्ट दे देते हो। इससे आपको क्वेश्चन क्या कभी नहीं पूछा जाएगा कि सेंटर में जॉइंट लगा रहे थे या आप एंड में लगा रहे थे अभी तक के पेपर्स में, ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की, आने में तो पेपर वाला सेंटर कहीं से भी पा सकता है, बट हमें देखना है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हमें स्कोर कैसे करने हैं, इसी के ऊपर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि आने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसका मतलब ये है कि उसको टोटली छोड़ो भी ना, आप पढ़ के जा सकते हो, बट आपको पेपर में क्या 100 में से 100 ले लें? कभी आया किसी के 100 में से 100? कोई पेपर बता दो, किसी स्टेट का बता दो, नहीं आया ना कभी 100 में से 100। इसका मतलब क्या है, जो पेपर तो हमें टॉप कॉम्पिटिशन में स्कोर करना है, तो जो चीज बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर उतना ही ध्यान दीजिए। तो आने में तो आ सकती है, कई बार क्या होता है आ जाते हैं, उसके अलावा बोलिए सर आपने तो मना करा था जी, ठीक है, बट उसके अलावा आप ये भी तो देखो ना, उसके असाइनमेंट इनिशियली हमने आपको 4 में से 3 की प्रोबेबिलिटी दे दी, तो आप 4 में से 3 तो स्कोर कर रहे हो, और हमारे स्कोरिंग ज्यादा होनी चाहिए। अब ये परसेंटेज तो बन नहीं रहे कि अगर 100 में से 50 आएंगे तो उसको 50% माना जाएगा, वो बीटेक डिप्लोमे में होता था। अगर 50 वाले का अब 10वां रैंक है तो 50 वाले को मिल जाएगी, समझ रहे हो? अगर 100 में से 80 आ रहे हैं, 100 में से 80 आ रहे हैं, तो 80% तो नहीं कॉन्ट्रीब्यूटर है, हम तो ये देखेंगे सीट्स कितनी है। अगर 100 में से 80 आने के बाद भी आप टॉप 25 सीट्स में नहीं हो और 25 ही सीट्स निकाली है गवर्नमेंट ने, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो उससे ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से आपको इसमें से क्वेश्चन है, कौन सा जॉइंट आजकल यूज नहीं करा जाता? तो कौन सा जॉइंट आजकल यूज नहीं करा जाता? ब्रिज। ब्रिज एट प्रेजेंट ब्रिज जॉइंट आर नॉट फेवर्ड, चाहे ऊपर वाले भी यूज ना करें, बट हमें बुकिश लैंग्वेज के कारण क्या याद रखना है कि कौन सा जॉइंट आजकल नहीं यूज करा जाता? ब्रिज जॉइंट। ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन था ब्रिज जॉइंट आर नॉट फेवर्ड दीस डेज। फिक्स्चर एंड फास्टनिंग कौन कौन से होते हैं? फिश प्लेट्स के बारे में पढ़ा, बियरिंग प्लेट्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, स्पाइक्स होते हैं, बोल्ट्स, की एंड कॉटन एंकर्स एंड एंटी स्लीपर्स। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, बाकी सारी डिस्क्रिप्शन हमारी ऑलरेडी ट्यूटोरियल में गिवन है। तो फिश प्लेट्स क्या करती हैं? पहले तो दो रेल्स को जोड़ती हैं, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? फिश रेल्स कॉन्टिन्यूअस दैट आर कॉल्ड फिश प्लेट्स। पूछा जाता है फिश बॉल्स कहां लगाए जाते हैं? ये फिश प्लेट है, क्या हो गया? फिशिंग प्लेन हो गया। फिश प्लेट क्या है मेरा? ये फिशिंग प्लेन हो गया, मतलब एरिया हो गया फिशिंग का जहां पे ये चीज प्रोवाइड करी जाएगी। तो क्वेश्चन आया था एक बार, फिश बॉल्स आर प्रोवाइडेड एट, कहां पे प्रोवाइड करे जाते हैं? फिश प्लेन में प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, फिश बॉल्स। फिशिंग प्लेन हो गया ना, जहां पे हमें जरूरत है दो रेल्स को जोड़ने की, जहां पे दो रेल्स जुड़ेंगी वहीं पे फिशिंग प्लेन बनेगा। अब कितने प्लेट्स में जॉइंट्स कितने डाले जाते हैं? एट अ रेल जॉइंट टू फिश प्लेट्स वन ऑन आइदर साइड ऑफ अ जॉइंट आर यूज्ड, मतलब एक फिश प्लेट इधर यूज हो रही है और एक फिश प्लेट दूसरे, मतलब इनर पे यूज हो रही है और एक आउटर पे यूज हो रही है। अब पूछे जाते हैं इसमें बॉल्स कितने लगाए जाते हैं? चार बॉल्स तो आपने बता दिए, तो अब इसमें चारों कौन सी साइड पे लग रहे हैं? दो इनर साइड पे लग रहे हैं और दो आउटर साइड पे लग रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पेपर वाले पार्ट में हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कहां पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो कितने प्रोवाइड कर रहे थे? चार, ये हमने पिछले लेक्चर में याद कर लिया, फिश वर्ड का मतलब चार है। अब सेकंड हम क्या याद रख रहे हैं कि कहां पे प्रोवाइड करे जाते हैं? दो ऑन, टू ऑन ईच साइड्स, टू ऑन ईच साइड्स, ये देखिए ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है यहां पे, यहां पे हमने लगाई हुई है फिश प्लेट्स और ये क्या लगाया हुआ है हमारा? फिश बॉल्स। बॉल्टिंग में क्या होता है, एक तरफ से आपने नट करा, दूसरी तरफ से बॉल्टिंग करी गई है। आजकल क्या यूज करी जाती है स्टील स्ट्रक्चर्स में? रिवेटिंग बिल्डिंग या बॉल्टिंग? बिल्डिंग की बात करें, वेयरहाउस में बिल्डिंग हो रही थी, बट जो बिल्डिंग होती है उसमें बॉल्टिंग होती है, ठीक है। बॉल्टिंग क्यों यूज कर रहे हैं? वहां बेल्टिंग क्यों यूज कर सकते हैं? आप मुझे एक रीजन बता सकते हैं कि कमर्शियली जो वॉल्स बन रहे हैं वहां बॉल्टिंग क्यों यूज हो रही है? लाइट लोड ज्यादा रहेगा, मेंटेनेंस में आसानी हो जाती है, बट हमारे नॉमिनल तो बिल्डिंग बढ़ रहा है, नॉमिनल जितनी मंडी है उसमें सब में क्या लग रही है? बिल्डिंग हो रही है। ओके, थर्मल एक्सपेंशन ग्रैंड ज्यादा, हां जी, असेंबल करना आसान है। देखो मॉल में सबसे पहली चीज क्या डिपेंड करती है, अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो दैट इज कमर्शियल, मॉल कमर्शियल होता है राइट, तो सबसे पहले क्या चीज?
अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए क्या लगता है बाहर? टफंड ग्लासेस लगते हैं, टफंड ग्लास, नॉर्मल ग्लासेस जो है टफंड होते हैं ग्लासेस। टफंड ग्लासेस के ऊपर वेल्ड कैसे करोगे आप, समझ रहे हो? टफंड ग्लासेस के ऊपर आप वेल्ड कैसे करोगे पहले। दूसरी तभी वो बॉल्टिंग होते हैं, बॉल्टिंग यूज करी जाती है, बॉल्टिंग के साथ भी एक सिस्टम होता है हमारा, हाई ग्रिप बॉल्ट्स होते हैं, ग्रिप्स लगती है वहां पे। आप यहां से देखोगे वहां पे इतने इतने बड़े होल होते हैं, कोई भी मॉल में देखोगे ना जहाँ पे शीशा ज्यादा लगा हुआ है, मैक्सिमम मॉल्स में जितने बन रहे हैं ज्यादा शीशा ही लगता है, टफंड ग्लासेस होते हैं एक तरफ से वहां पे। वो नॉर्मली शोरूम के बाहर भी जो ग्लास होता है ना, वो नॉर्मल ग्लास नहीं होता, ये आपने खिड़की वाला उठा के लगा दिया, वो टफंड होते हैं ग्लासेस, वो टफंड होते हैं, ठीक है? जैसे गाड़ियों में बॉल्ट लगे होते हैं, जो गाड़ियों में क्योंकि होल आते हैं उसमें पहले से, ठीक है? गाड़ियों में जो शीशा होता है क्या वो ब्रिटल होता है? अब गाड़ियों में हिट करते हैं अगर, तो आप देखो तो उसमें क्रैक सी क्रैक फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होगा बजा शीशा तो टूट गया शीशा, उसमें क्रैक फॉर्मेशन होती है। तो ये सब शीशे के क्या होते हैं जो आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्पस होता है, ऐसे नहीं। और घर का अगर देखो, घर में क्या कहते हैं, छोटे होते खेलते थे बॉल लगी शीशा टूट गया, ठीक है? वो क्या रीजन होते हैं, आपके जो विंडोज होती है वो डिफरेंट होती है जब हर जगह यूज करी जाती है, ठीक है? फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, यहां पे फिश प्लेट यूज हो रही है, ध्यान से देखिए, चार प्लेट्स यूज कर रहे हैं हम टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल, और क्या करेंगे, टू रेल्स को इकट्ठे जॉइन करके रखेंगे, सेकंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के काम आ रही है, और थर्ड करेक्ट अलाइनमेंट रख दिया, अगर अलाइनमेंट खराब होगी तो अल्टीमेटली रेल हो सकती है, और फोर फिश बॉल्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग प्लेन। इसके बाद भी आपको बोलना चाहिए, अगर इसके बाद भी आगे आपको याद रहना है इसको, फिर तो कोई देख लो पर्पस प्रॉब्लम हमारी सब वहीं की वहीं रह जाएगी। फिश मतलब चार, डीओ मतलब फोर पीपीएम। रिक्वायरमेंट बेसिकली सिंपल है, उसी टर्म्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हो आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, बेसिकली सेक्शन प्रॉपरली फिट हो जाए, टेम्परेचर वेरिएशन को ले ले, वो लेटरल स्ट्रेसेस वर्टिकल स्ट्रेसेस को ले ले, करेक्ट अलाइनमेंट रहे, वियर एंड टियर को रोक ले, रिन्यूएबल एंड रिप्लेसमेंट को रोक ले, और प्रॉपर सेम स्ट्रेंथ रहे जैसे हमारे ओरिजिनल हमने जब प्रोवाइड करी थी, ठीक है? अब बुल हेडेड रेल्स के लिए, फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए हमारे पास शेप और सेक्शन देखे हुए हैं, ठीक है? बस हमें इतना याद रखना फोर के लिए। अब बियरिंग प्लेट्स क्या होती है? बियरिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल्स एंड वुडन स्लीपर ऑन अ रेलवे ट्रैक आर नोन एज बियरिंग प्लेट्स। रेल्स और स्लीपर के बीच में जो हम प्लेट्स लगाते हैं, रेल्स और स्लीपर पहले कनेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में जो प्लेट लगा रहे हैं दैट आर कॉल्ड बियरिंग प्लेट्स, ये लोड कैरी करेंगे, लोड कैरी। अब ये क्या करते हैं, लोड कैरी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, लोड कैरी करके हमें क्या करना है, बेसिक सेक्शन में क्या हो रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये ना, तो हमने क्या करा, सबसे पहले रेल किस पे लोड डाल रही है, स्लीपर, स्लीपर किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लास्ट किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबग्रेड में, तो वो सेक्शन कर रहा है। तो प्लेट्स वगैरह का क्या काम होता है, वो सारे क्या करते हैं, सिर्फ लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बियरिंग प्लेट्स भी आपकी क्या कर रही है, लोड ट्रांसफर कर रही है, चेयर्स होगी, हाँ जी, ट्रांसफर कर रही है लोड, कास्ट आयरन रॉड एंड स्टील बियरिंग प्लेट्स जनरली इंडियन रेलवेज में यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह की वुडन स्लीपर्स बहुत पहले यूज करे जाते थे, वुडन स्लीपर्स हमारे बहुत पहले यूज करे जाते थे, इस तरह की बियरिंग प्लेट्स होगी। बियरिंग प्लेट्स का भी लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म याद रखिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके हैं, आप थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वैसे मेन मेन पार्ट हम वैसे कवर अप कर चुके हैं, पेपर में हम पूछा गया डिसएडवांटेज बताइए जी बियरिंग प्लेट्स के क्या, ऐसा क्वेश्चन कम आता है, राइट? टाइप्स ऑफ बियरिंग प्लेट, फ्लैट बियरिंग प्लेट्स, कैंटेड बियरिंग प्लेट्स, कैंट बियरिंग प्लेट्स हम आगे पढ़ेंगे, जो हम कैंट क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन को यूज करते हैं, सुपर एलिवेशन में। फ्लैट बियरिंग में टोटली फ्लैट होते हैं अंडर क्रॉस पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग, पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग में क्या होता है, हमारी जब टू रेल्स हैं आपस में जब हमें क्रॉस करनी है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, जब उसकी डायरेक्शन चेंज, हम कहते हैं मूवी आई थी काफी पहले एक मूवी आमिर खान की थी, उसका पैर फंस जाता था उसमें ट्रेन में, आमिर खान की किसकी मूवी थी, पैर फंस जाता है ट्रेन में, कई बार फिल्म में देखते हैं ट्रेन के ट्रैक पे पैर फंस जाता है, डायरेक्शन में जब हमें ट्रेन की डायरेक्शन चेंज करनी होती है, डायरेक्शन में मूव होते हैं तो वहां पे वो लॉक नहीं होता, अदरवाइज नॉर्मल ट्रैक में कोई नहीं पकड़ रहा आपको, ठीक है?
ये चीज है। नेक्स्ट है कैंटेड बियरिंग प्लेट्स, ये कब यूज होती है? वैसे सारे मॉडर्न स्लीपर्स के लिए यूज होती है, कर्व्स वगैरह में यूज होंगी। और टिल्टिंग कितनी है इसकी भी? 1:20 की, 1:20 याद रखना है। अब चेयर्स किस लिए यूज करी जाती है? जो हमारे बुल हेडेड रेल्स है या फ्लैट फुटेड रेल्स है वो अपनी पोजीशन में रहे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा गॉज है, यहाँ मैंने की यूज करी है, इसमें सारा कुछ क्लियर होगा। की क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आउटर जॉ ऑफ चेयर है, मतलब जो अब हमने यहाँ से कोई चीज फिक्स कर दी, यहाँ से फिक्स करने के बाद एक रेजिस्टेंस दे दी है इस वाले पॉइंट पे। अब आप यहाँ से देखोगे की आपने बीच में डाली है और इधर से आपने सपोर्ट दे दी प्लेट से, और नीचे कहाँ जा रही है हमारी? प्लेट्स वाला सेक्शन जाएगा। तो अगर उसको अपनी पोजीशन पे रखना है तो हम ये चेयर्स वगैरह यूज करते हैं। ये 3-4 पैरामीटर होते हैं जो हम यूज करके उसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए करते हैं। काफी कीज यूज करी जाती है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कीज के ऊपर भी क्वेश्चन हमने कम देखे हैं। क्वेश्चन स्पाई के ऊपर आता है, स्पाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रेलवे का स्पाई के ऊपर। स्पाई को कीज बोलते हैं, जॉइन करने का काम आ रहा है। हाँ, जैसे आप कीले लगा लो, कील मान सकते हो कील, ठीक है। ये डॉग स्पाइक्स के यूज किस लिए होते हैं? डॉग स्पाइक्स आर सो कॉल्ड ड्यू टू द शेप ऑफ देयर हेड। नेल्स हो गए, नेल्स का मतलब है कीले हैं। अगर आप कीले गाड़ दोगे किसको किसके साथ जोड़ने के लिए? रेल्स को स्लीपर्स के साथ, प्लेट्स को स्लीपर्स। अभी प्लेट्स वगैरह 3 मैकेनिज्म हो गए। अगर मैं कील इंसर्ट कर दूं उसमें, ठीक है, तो कील इंसर्ट से सारे एक लेवल पे आ गए, दैट आर कॉल्ड स्पाइक्स। अब ये कीले क्या लोहे में घुसेंगी? नहीं घुसेंगी ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से स्लीपर्स के लिए यूज करे जाते हैं डॉग स्पाइक्स? वुडन के लिए आजकल तो नहीं यूज होते, बड़े पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्लीपर्स के लिए डॉग स्पाइक्स यूज करे जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है डॉग स्पाइक्स किस लिए यूज करे जाते हैं? वुडन स्लीपर्स के लिए यूज करे जाते हैं। अब वुडन डॉग स्पाइक्स आर कॉमनली यूज फॉर होल्डिंग एफएफ रेल्स, कौन सी थी? फ्लैट फुटेड। और मुझे बता सकते हो फ्लैट फुटेड, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, फ्लैट फुटेड कौन सी रेल में लगती है? मतलब इंडियन रेलवेज में, इंडियन रेलवे में लगती थी। हमने बोला फ्लैट विंडोज, फ्लैट फुटेड थे। तो आपसे क्वेश्चन आएगा इंडिया में वुडन स्लीपर्स पे कौन से स्पाइक यूज होते हैं? डॉग्स। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, जो पहले पढ़ा उसको इसके साथ मैच करा और आंसर अपना बना लिया। इजिली फिक्स होते हैं, इजिली रिमूव हो जाते हैं। कितने डॉग स्पाइक्स यूज होंगे? 4। तो मतलब इजी है याद करना, फिश भी 4, डॉग भी 4, बस चारों में। पर इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, सिर्फ फिश के ऊपर ही क्वेश्चन आया आज तक, क्वेश्चन नहीं आया। बाकी स्क्रू स्पाइक्स है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये स्क्रू फॉर्म में है, जैसे हमारे आजकल नट बोल्ट होते हैं ऊपर से क्रॉस होता है, आप क्या करते हो स्क्रू ड्राइवर से घुमा के भी उसको इंसर्ट करते हो। सिमिलरली क्या होता है ऊपर इसके टॉप क्रॉस सेक्शन में स्क्रू वाला पार्ट होता है इस तरह का, जिसको ले मिलेंगे चूड़ी भी कहते हैं कि हाँ जी इसको ऐसे घुमा रहे हो आप, स्क्रू आपका यहाँ से लग जा रहा है। राउंड स्पाइक्स टॉप से क्या होएंगे? राउंड होएंगे। इसकी डायमेंशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, डायमेंशंस इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना उसमें। और इलास्टिक स्पाइक्स क्या होता है? अपनी डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, स्प्रिंग्स टाइप के होंगे। कितने बॉल्स लग रहे हैं? 4 फिश बॉल कनेक्टेड फिशिंग लेन, ठीक है जी। वही हमने सेक्शन पढ़ा था, हमारे बॉल्स फिश बॉल्स यूज करे जाते हैं रेलवे में, 4 फिश बॉल्स यूज करे जाते हैं। और जो 4 यूज करे जाते हैं वो 2 एक डायरेक्शन में होते हैं, 2 मतलब आउटर में और 2 इनर में होते हैं। फिश बॉल्स में से बने किसके होते हैं? मीडियम और हाई कार्बन स्टील के। तो क्या कंटेंट ज्यादा होता है फिश बॉल्स में? मैग्नीशियम और कार्बन। कर्व्स में क्या ज्यादा होता है हमारा? मैग्नीशियम। ठीक है, 44.7 kg रेल होगी तो 25 mm डाया यूज होगा,
टॉप से प्लेन होती है और यहाँ वाले पार्ट से क्या होती है चूड़ियां। अगर छोटी कील होगी तो सारी जगह चूड़ियां होंगी, छोटी कील होगी वहां पे सारी जगह चूड़ियों से क्या होता है तभी बॉल्डिंग होगी प्रॉपरली। अब जैसे मैं मॉल्स का एग्जांपल ले रहा था, अब मान लीजिए वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन हो सकती है मॉल्स में, अर्थक्वेक से हो रही है, एग्जैक्टली ठीक है। जितने भी टॉप फ्लोर्स होते हैं उसमें सिनेमा हॉल्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल और क्लब्स होते हैं, बॉलिंग होती है कई जगह पे, आप देखा जैसे ग्राउंड फ्लोर में बॉलिंग है, फूड जॉइंट्स होते हैं, ये सारे टॉप पे होते हैं। सिनेमा भी एक इंपैक्ट डाल रहा है वाइब्रेशंस का, सिनेमा में जब साउंड आते हैं जो क्लब कह रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन डालते हैं, आप किसी भी क्लब से या सिनेमा के बाहर से ले आपको पता लग जाएगा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वाइब्रेशन ये है मिनिमम, इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर को हिला देगी, ठीक है, बट ये होता है अगर कभी आप ध्यान से देखोगे एक सिनेमा और दूसरे सिनेमा में हमारी साउंड प्रूफिंग अच्छे से नहीं हो रखी ना, आपका यहाँ पे इंटरवल आपको साइड वाले सिनेमा की आवाज आ जाती है, ध्यान से देखना कभी इंटरवल के टाइम पे अगर जब तक वो साउंड में, ये सारी चीजें। अगर अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक का बॉल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, बॉल्ट की क्या प्रॉब्लम है, बॉल्ट खुल सकते हैं जी, लूज होने के बाद खुल सकते हैं, ठीक है, घरों में भी आप कई चीजें अगर लूज होती है खुल जाती है, टॉयज के पीछे बॉल्ट होते हैं जब वाइब्रेशन कहीं पे आएगी वो उसको भी रेजिस्ट कर रहा है, रबड़ वाला पार्ट है, रबड़ आपके सबसे ज्यादा वाइब्रेशन ले जाता है, चूड़ी है जो हम रेड वाला पोर्शन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हुक बॉल्स हैं, वो भी सिमिलर है, नीचे से सिर्फ शेप में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फेंच बॉल्स हैं, आपको सिर्फ हमारा बॉल्ट वाले केसेस में एक ही पार्ट याद करना जो हमने टॉप पे करा। आगे कीज होती है, की भी स्मॉल टेपर्ड पीसेस होते हैं, यूज्ड टू फिक्स रेल्स टू चेयर और मेटल स्लीपर फॉर कनेक्टिंग रेल्स टू बियरिंग प्लेट्स और स्लीपर्स के लिए, ये भी इसी के लिए यूज हो रही है, मेटल स्लीपर और रेल्स को कनेक्ट कर रही है बियरिंग प्लेट्स के साथ, ओवरऑल हमारा कनेक्टिंग के लिए यूज करी जा रही है। वुडन कीज होती है, मेटल कीज, मेटल कीज मेटल की बनी होगी, वुडन वुडन की, ठीक है। फर्दर हमने वही डायग्राम से दोबारा समझ लिया, की डाली हुई है हमने, ये मेरी प्लेट लगी हुई थी और ये मेरा रेल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बीच में क्या कर दिया, की यूज कर दिया, ठीक है। बाकी मेटल कीज भी होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉर्गन कीज होगी एडवांटेज। आखिरी एंटी ग्रिपर से, एंटी ग्रिपर आपने लास्ट में भी पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना हम एंटी ग्रिपर, वही है, ठीक है। एंटी ग्रिपर से हम इसको रेजिस्ट कर सकते हैं और फर्दर आपको क्लिप का टॉपिक टोटली क्लियर है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेवंथ क्वेश्चन बताइए मेरे को, नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट, तो मतलब ये तो भूलना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, तो फोर है, तो अब अगर आप नहीं भी देखोगे तब भी हो जाएगा। सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन लेके चलते हैं, फंक्शन क्या है फ्रेश प्लेट का, सिक्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा प्लेट क्या कर रहा था, दो रेल्स को जॉइन कर रहा है, पहली रेल दूसरी रेल 12.8 की आ रही थी, दोनों को जॉइन के लिए फिश और फिशिंग प्लेन में यूज कर रहे हैं, दोनों आइदर साइड्स पे यूज हो रहे हैं, और कितने यूज हो रहे हैं, 2-2। चलिए थर्ड चैप्टर पे आइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर थर्ड स्लीपर्स। स्लीपर्स की अगर आप वेटेज देखोगे कितनी वेटेज है, 25%। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जैसे डिप्लोमा या डिग्री में न्यूमेरिकल वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होता पार्ट, ठीक है, और अब जो पेपर्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज्यादा आ रहे हैं, रेलवे वालों ने अगर क्या करा, CBT 2 में मेरा क्या कर रहा है, उसमें
कैलकुलेटर ही अलाउड कर दिया, अगर कैलकुलेटर अलाउड कर दिया मतलब न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस डायरेक्टली स्पेसिफाई होंगे, आ सकते हैं ज्यादा, ठीक है, आएंगे भी। प्लस अब जो पेपर्स आ गए, पहले क्या होता था 4 से 5 साल पहले सिनेरियो क्या होता था, आप थ्योरी पढ़ के जाइए, कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए, उसके क्वेश्चंस रटिए, सीधा जाके काफी क्वेश्चंस जैसे आप बता रहे कर दें, क्लियर हो जाता था पेपर। प्रॉब्लम क्या थी, तब क्लियर क्यों होता था और अब क्लियर क्यों नहीं हो सकता, थ्योरी बेस्ड ज्यादा था, पहला रीजन था पहले थ्योरी बेस्ड था। क्या 5 साल पहले भी उतने इंजीनियर ग्रेजुएट हुए थे या जितने अब हुए हैं? 5 साल में इतने ज्यादा कॉलेजेस खुल गए, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पास आउट बंद भी हो रहे हैं जी, हाँ, बट जो एक बार एंट्री कर गया वो तो करेगा ही पूरे कोर्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पहले क्या थे, पैकेजेस में भी आप डिफरेंस देख रहे हो, पैकेज भी हाई काफी आ गए, प्राइवेट के इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उस वाले। और ये सारी मैं व्हाइट मनी की बात कर रहा हूँ, आपको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए पैकेजेस भी हाई है, तो अब क्या सब गवर्नमेंट के लिए ज्यादा सिक्योर के लिए कर रहे हैं, तो सारा कंपटीशन वाला बंदा कंपटीशन के लिए बैठ रहा है इसमें, तो उसके लिए पेपर भी हाई आ रहा है। तो जो बंदा न्यूमेरिकल छोड़ के जा रहा है उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, तो इसलिए अब आपको इस वाले पार्ट से मेरा न्यूमेरिकल भी आएगा, इस वाले पार्ट से मेरा न्यूमेरिकल भी आएगा, और एक ही न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल है, उसके दो टाइप्स हैं। अगर वो दो टाइप्स आपको अभी समझ आ गए, जैसे ही पेपर में आएगा आप डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाओगे, ठीक है। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, गेट में वाले सिलेबस में अभी लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, इवन इंजीनियरिंग सर्विस वाले पेपर तक इसी में इसी वाले पार्ट से न्यूमेरिकल आता है। देखिए स्लीपर्स का क्या मतलब है, रेल्स को सपोर्ट करता है और लोड कहां पे ट्रांसफर करता है, लास्ट में, ठीक है। दोनों गेजेस को मेंटेन करके रखता है स्लीपर, क्योंकि दोनों गेजेस के ऊपर आ रहा है हमारा, देखिए गेजेस के नीचे आ रहा है, ये मेरे गेजेस हैं और यहाँ पे मेरा क्या प्रोवाइड कर दिया, स्लीपर। सबसे पेट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, मैं हर चीज में कहता हूँ मोस्ट कॉमनली मैं हमेशा आपको पूछता हूँ, तो मोस्ट कॉमनली स्लीपर इंडिया में कौन सा यूज होता है, अगर मटेरियल की बात करें, देखिए मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है, कॉन्क्रीट स्लीपर्स। तो ये आपका टिप्स पे होना चाहिए, कॉन्क्रीट स्लीपर सबसे ज्यादा। देखो कहीं पे ना समझ आए, CST9 स्लीपर्स भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होता है मोस्ट कॉमनली, वो हमारा एक टाइप आ गया अलग, हम मटेरियल की यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल क्या होगा हमारा यूज, कॉन्क्रीट, याद रखोगे कॉन्क्रीट। इसका एक आपको आइडिया देता हूं, वो कैसे याद रखेगा, सबसे ज्यादा किस मटेरियल की कंजम्पशन है इन ऑल ओवर वर्ल्ड में, पहला पानी, देखिए ऐसा तो नहीं कि पानी के बगैर सर, पानी तो चाहिए। सेकंड क्या है, सीमेंट, सेकंड कंजम्पशन ऑल ओवर वर्ल्ड में किसके है, सीमेंट के, तभी सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप ज्यादा है। तो अब अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आपको ना समझे ना कौन सा मटीरियल यूज हो रहा है, तो क्या दोगे आप, कॉन्क्रीट स्लीपर्स। एक और क्वेश्चन याद करते हैं इसी के साथ, एक क्वेश्चन से नहीं हम रुकेंगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए एनवायरमेंट में चलते हैं, एनवायरमेंट में मेरे से पूछा जाए, बताइए भाई ब्रांच सीवर्स लगते हैं, ब्रांच सीवर्स होते हैं ना, हम उसमें अब एनवायरमेंट इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आउटफॉल सीवर होता है, ब्रांच होता है, मेन होता है, लेटरल सीवर्स होते हैं, उसमें ब्रांच सीवर्स होते हैं नॉर्मली हमें सीवर, वो कौन से मटेरियल के होते हैं, कॉन्क्रीट के, आरसीसी के। बड़े बड़े देखिए ना आपने, ऐसे पाइपलाइंस होती है, ठीक है, काफी बड़े होते हैं, बंदा भी उसमें जा सकता है, मैन होल वाले पार्ट से जा सकता है नॉर्मल। अगर आप अभी कहीं साइड पे भी देखोगे ना, तो साइड पे भी अगर पड़े हैं तो बंदा उसमें से आराम से निकल सकता है, ठीक है, सीवर्स, ठीक है, ब्रांच सीवर्स। क्लीनिंग के लिए तो मैन होल्स यूज होते हैं, मतलब क्लीनिंग वाले पार्ट में, बड़े ब्रांच सीवर्स होते हैं, काफी बड़े डायर के होते हैं, आरसीसी के होते हैं। तो एक ही से दोनों याद हो गए, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स वही सेम, हमने जो पहले पैरामीटर्स पढ़े उसी पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, रेल गॉज को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है जी, बाकी टिल्टिंग हो रही है रेल्स की उसको रोक रहा है, कोनिंग्स ऑफ रोल्स को कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रोल स्टेबिलिटी कर रहा है। गुड स्लीपर्स में हमें क्या क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ, ये स्टैंडर्ड वर्डिंग्स है जो हम यूज करते हैं। आपको याद क्या रखना है, सबसे सारी पैरामीटर्स किस में हमें ज्यादा मिलते हैं, कॉन्क्रीट स्लीपर्स में, कॉन्क्रीट स्लीपर्स में हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ना याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, कोई भी चीज में आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखोगे मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी है,
ठीक है, जब भी कोई पॉजिटिव, इसको याद नहीं रखना आपको 16 स्लीपर्स क्या कर रहे हैं, आपको स्लीपर पता लग गया क्या कर रहे हैं, लो ट्रांसफर कर रहे हैं और मेरी रेल्स को क्या कर रहे हैं, एक अपनी पोजीशन में सेट करके रख रहे हैं। पॉइंट्स नहीं याद रहे, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स सिर्फ एडवांटेजेस आते हैं। तो एडवांटेज आपको जो चीज पॉजिटिव पेपर में पूछी गई है तो मतलब मेरी सीवर इसके रिलेटेड होगी, आरसीसी के रिलेटेड है या स्लीपर से, जो कोई नेगेटिव आ रही है वो नहीं है इसके रिलेटेड, बस इसको एडवांटेजेस वही होती है। हाँ जी, देखो हम एक पैरामीटर ले रहे हैं, हमारे गुड स्लीपर्स में हमें क्या चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि मेरा आरसीसी या कंक्रीट के लिए वैलिड है, बट हमने क्या कहा, अगर आपको पेपर में पूछा जाए, पेपर में अगर पैरामीटर्स आए तो पेपर पैरामीटर्स में जब भी आपको कोई एडवांटेजेस आए तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट में वो करोगे बस। वैसे स्क्रैप वैल्यू स्टील की ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू, पर उसकी कॉस्टिंग कितनी है, वो चीज है। वुडन स्लीपर्स लगते थे पहले, वुडन स्लीपर ड्यूरेबल नहीं है, तो इसमें हम सारे पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंट देख रहे हैं बेसिकली। टाइप ऑफ स्लीपर्स वुडन हो गए, मेटल में स्टील, कास्ट आयरन, फिर कंक्रीट में आरसीसी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स, तो मतलब आरसीसी स्लीपर्स हमें सबसे ज्यादा याद है। प्रीस्ट्रेस में क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी, स्टील को प्रीस्ट्रेस में क्या होता है, प्रीस्ट्रेस में पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग टेक्निक्स है, वो हम फर्दर कभी आरसीसी का लेक्चर्स करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, प्रीस्ट्रेस होते हैं पहले से। वुडन स्लीपर्स है, वुडन स्लीपर्स में मुझे स्पाइक्स बता सकते हो कौन सा यूज होगा, डॉग स्पाइक्स, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। गॉज डायमेंशंस है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्लीपर्स है, ब्रॉड गेज के लिए हम वुडन स्लीपर्स के लिए क्या साइज यूज करते हैं और उसका बियरिंग एरिया पर स्लीपर कितना होता है। कई बार टिम्बर्स पूछे जाते हैं स्लीपर्स के लिए, वो टिम्बर की प्रॉपर्टी, ये बहुत पहले यूज होते थे वुडन, आजकल तो यूज हो नहीं रहे। इन स्टैंडर्ड इंडिया टिम्बर्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्लीपर्स आर सेल एंड टीक, इन दोनों मटेरियल्स के यूज करे जाते हैं। अब ऐसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसकी भी है, पैरामीटर्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ड्यूरेबिलिटी नहीं है। डिसएडवांटेज क्या याद रखनी है आपको, इसकी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। साइज में आपको ब्रॉड गेज के सबके याद रखने, जहां पे वर्ड ब्रॉड गेज आ गया हमने क्या कहा, वहां पे हम रिस्क लेंगे ही नहीं। जहां पे वर्ड ब्रॉड गेज, अब मिलीमीटर भी है नैरो भी है ना, याद रखिए, बट ब्रॉड गेज में हमने कहीं भी रिस्क नहीं लेना, कहीं भी वैल्यू आ जाए ब्रॉड गेज को याद रखनी है। और जैसे एक आपको और हिंट देता हूं, जब आप कभी कोडिंग पढ़ते हो, कोड की इतनी ज्यादा वैल्यूज हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, आपको समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो याद रखना जब भी टेबल में आप कोई चीज फॉर्मेशन पढ़े उसकी पहली वैल्यू जरूर याद रखना। मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव्स में, स्टेट्स में, जितने भी हमने पेपर्स एनालाइज करे हैं, जब भी हम कोई टेबल से वैल्यू देखते हैं उसकी पहली वैल्यू से ही आया होता है ज्यादातर। अगर पेपर टफ आया तो थर्ड फोर्थ पे भी आएगा, तो हर जगह जब आपको टेबल स्ट्राइक करता है पहली वैल्यू जरूर देख सकते हैं, ठीक है। फिर स्टील स्लीपर्स है, कास्ट आयरन स्लीपर्स है, कास्ट आयरन स्लीपर्स में हम यूज करेंगे जनरली एक पैरामीटर होता है CST9 स्लीपर्स, इस वाले पार्ट में, ये क्लिपबोर्ड वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट में बताने के लिए है एडवांटेज जी। देखिए ये आ रहा है CST9 स्लीपर्स, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट आयरन स्लीपर्स में एक स्लीपर की टाइप है दैट इज कॉल्ड CST9, इसको इंपॉर्टेंटली हम सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ मटीरियल्स बता रहे हैं, पॉट होल्स कीज बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास थ्योरेटिकल बुक्स भी है, देखिए CST9 स्लीपर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट पॉट एंड बॉक्स स्लीपर्स, स्टैंडर्डाइज्ड बाय, किसने स्टैंडर्डाइज कर रहा है, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रैक कमेटी। तो सीएसटी का मतलब भी पूछा जा सकता है, तो सीएसटी का मतलब क्या है, हाँ जी, तो कहीं पर हम वहां पे कास्ट आयरन या कुछ इस तरह के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और वो कास्ट आयरन वाला हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है पेपर में। एक्चुअल में सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रैक कमेटी ने स्टैंडर्डाइज करा इसको, मोस्ट इंटेंसिवली यूज्ड फॉर स्लीपर्स ऑन इंडियन रेलवे, सबसे ज्यादा CST9 स्लीपर्स यूज होते हैं, राइट। पहले तो मटीरियल की बात करेंगे तो आंसर क्या दोगे, कॉन्क्रीट। अब क्या पूछा है, स्लीपर्स किसका यूज हो रहा है, CST9 यूज हो रहा है या पॉट होल्स हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा, CST9 में। हाँ जी, हाँ, उन्होंने कॉन्क्रीट के लिए उसको करा,
इसने बताया कि भाई आप कंक्रीट स्लैब पर यूज करो। हाँ जी अगर आप सोचोगे कि कंक्रीट का बन रहा है, कंक्रीट तो हम मेजरली यूज कर रहे हैं। हाँ देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्लीपर कंसिस्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट्स वन ऑन आइदर साइड ऑफ रेल। वो कुछ नहीं है, बस इस तरह से आप पार्ट देख लीजिए। ये इसका प्लान है और इसकी डायमेंशन है, ठीक है। प्लान को समझते हैं, प्लान कौन सा व्यू होता है उसका टॉप व्यू होता है, ठीक है। यहां से मैंने एलिवेशन कट करी, जो नीचे वाला मेरे को एलिवेशन में दिख रहा है मैंने कट करा, मुझे दिख गया यहां पे मेरी रेल है, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस लगा रहे हैं हम यहाँ पे। अब अगर आप प्लान में देखोगे टॉप व्यू में मेरी ये रेल ये जा रही है और यहां हमने क्या यूज कर दिए, सारे स्लीपर्स के पैरामीटर्स यूज कर दिए। अब फीचर्स में देखते हैं। द एरिया ऑफ बोथ प्लेट आर इक्वल 0.46 मीटर से भी इक्वल टू इफेक्टिव बेरिंग एरिया ऑफ ब्रॉडगेज स्लीपर्स। जितना इफेक्टिव एरिया ब्रॉडगेज स्लीपर्स का था वुडन का जो हम यूज कर, उतना ही सेम एरिया होता है स्टील प्लेट्स का 0.46 स्क्वायर मीटर। कितने स्टैंडर्ड क्वार्टर्स मतलब स्टैंडर्ड बॉल्स कितने यूज होंगे, 4। तो इसको टिप पे रखिएगा जितनी भी चीजें यूज हो रही है 4। स्लोप कितना देंगे, 1 in 20। अब तक तो रट्टा बढ़ जाना चाहिए 1 in 20 का, ठीक है। 2020 से याद कराया, ठीक है ये। बट ये याद रखिएगा जो आपको पीछे कंफ्यूजन है, स्टील का पार्ट है, कंक्रीट का पार्ट नहीं है, स्टील का है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके याद रखने इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा जो चीज सीएसटी है 9 है, जो इंपॉर्टेंट है उसका हम एडवांटेज भी याद रखेंगे और डिसएडवांटेज भी। पहले एडवांटेजेस फीचर्स तो हमने कर लिए, अब मेन डिसएडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। स्लीपर वियर आउट क्विकली कॉजिंग कीज टू वर्क आउट लूज। जो मैंने ऊपर कीज यूज करी थी जो पीछे भी हमने समझी थी वो लूज हो जाती है जल्दी, ठीक है। इस केस में स्लीपर फॉर्म अ रिजिड रैक व्हिच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन अंडर मूविंग व्हील लोड्स दस प्रोवाइड लिमिटेड लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। इसका मतलब क्या है, अगर हमने इसको यूज कर रहे हैं मूविंग वॉल में, क्योंकि जब भी व्हील्स लगे मूविंग लोड लग रहा है, तो उस केस में जब हमारे लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, मतलब हमारी क्रीप वाले इफेक्ट में आ रही है, उस केस में भी वेरिएशंस को अच्छे से रिजिडली फॉर्म नहीं कर पाता, मतलब उसको रिजिस्ट नहीं कर पाता। ये दो डिसएडवांटेज है। अगर आप वुडन के देखोगे इससे भी बड़े बड़े ड्रॉबैक्स है, ठीक है। बड़ा ड्रॉबैक तो हम देखते हैं मैक्सिमम हमारे पास एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, हर चीज की लाइफ होती है। अब ऐसे तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की भी एक लिमिटेड लाइफ है, हम जो स्टील भी यूज कर सकते थे फिर तो। अब कंक्रीट मेरा कंप्रेशन में ही स्ट्रांग है, ठीक है। आपने कहा कंप्रेशन में टेंशन में तो वीक है, बट स्टील तो मेरा टेंशन में भी स्ट्रांग है कंप्रेशन में भी स्ट्रांग है इक्वली। तो इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता ना कि हम स्टील ही क्यों नहीं यूज करते जी, दोनों में स्ट्रांग है। कॉस्टिंग सबसे बड़ी बात होती है, कॉस्टिंग, ठीक है। दूसरा बेनिफिट, अब आप देखो ना हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, बेनिफिट क्या है उसका। स्टील स्ट्रक्चर मेरा बहुत जल्दी बन सकता है जी। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर वो मेरा सेम वेयर हाउस वाला बंदा बना रहा होता सेम, तो इस सीजन में वो अपने कोल्ड स्टोरेज ना उठा पाता, उसको 2-3 साल रुकना पड़ता, 3 साल तक मतलब 3 साल का बिजनेस लॉस, इस करके वो यूज कर जाता है, समझे। ये चीज होती है। आगे फर्दर कैटेगरी एक होता है डुप्लेक्स स्लीपर्स होते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन स्लीपर्स ही हैं, रेल फ्री डुप्लेक्स स्लीपर्स है, इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी नहीं आते, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इतने यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। इनकी लाइफ ज्यादा होती है 35-40 years, नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। डिसएडवांटेज भी इसके याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे आते हैं कंक्रीट स्लीपर्स। द स्लीपर्स मेड ऑफ रिनफोर्स और प्रीस्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट आर नोन एज कंक्रीट स्लीपर्स। कंक्रीट स्लीपर्स इसकी लाइफ देखिए कितनी है, 40-60 years। अब जो आप एडवांटेजेस की लास्ट उसमें बात कर रहे थे, ये एडवांटेजेस आ जाएंगे।
ठीक है, वो हमें जर्नलाइज चाहिए थी, उसमें से मैक्सिमम इसमें आ रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम है, क्योंकि अगर जब भी आप स्टील यूज करेंगे उसको मेंटेन हमें ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, स्लीपर रिक्वायर लेस फिटिंग्स, फिटिंग्स नहीं डालते हम कंक्रीट में, ऑलरेडी लग के आ रही है। गॉज एडजस्टमेंट इजी है, कनेक्शन स्ट्रांग रहता है रेल्स और स्लीपर्स का, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल रिजिडिटी रहती है, ट्रैक सर्कुलेटिंग सही रहती है, ड्यूरेबल है, लेस क्रीप आएगी, स्टील स्ट्रक्चर में क्रीप हमेशा ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखिएगा। विदस्टैंड स्ट्रेसेस कर सकते हैं, इवन टेम्परेचर स्ट्रेसेस वगैरह को भी ये ले लेता है कंक्रीट। डिसएडवांटेज क्या, इनिशियल कॉस्ट हाई है, ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रिटल फेलियर होता है, कंक्रीट का फेलियर क्या होता है, ब्रिटल, सडन फेलियर हो सकता है। कुछ कुछ सेक्शंस के लिए डिजाइन करके यूज हो सकता है, ब्रिजेस एंड क्रॉसिंग्स में यूज हो सकता है ज्यादा। रिन्यूअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिन्यूअल में मतलब अगर आपको रिप्लेस करने है उसमें सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम रहती है। लास्ट जो आपका पैरामीटर था जो आपने पूछा था स्क्रैप वैल्यू वाला, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ स्लीपर इज निल, स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती हमें। आने वाले टाइम पे भी रिसर्च चल रही है कि जो जब हम इसको स्क्रैप कर देते हैं कंक्रीट को, जो कंक्रीट चूरा रह जाता है, मतलब ये कह सकते हैं एंड में चूरा रह जाता है, ठीक है, उसको भी, उसको कुछ मटेरियल्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा इस पर थीसिस भी हो चुकी हैं, कुछ मटेरियल के साथ मिक्स करके उसको दोबारा यूज़ कर सकें। बट अभी तक, मतलब जितनी तक अभी तक हमने स्टडीज देखी हैं, अभी तक इसको ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ नहीं करा जा रहा, बट उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम आती है, जब वो कंक्रीट टूट जाए उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम आती है। जैसे सीमेंट स्टोर करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कम होती है, कम होती है, अगर बहुत टाइम से स्टोर है सीमेंट तो वो सीमेंट हमारे काम का नहीं है। एक ही चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है टाइम के साथ, स्ट्रक्चर की वैल्यू ज्यादा होती है कम होएगी, वैल्यू समझदार हो आप काफी, ठीक है, ठीक है, वैल्यू, हाँ जी ठीक है, उसकी एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या होता है काफी ज्यादा सीज में भी उसको रखा जाता है, पता आपको इसकी थ्योरी, सीज में भी रखा जाता है वहां पे डेट डाल के दिन में। चलो इसको हम डिस्कस नहीं करते ज्यादा, वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आसी स्लीपर, प्रीस्टर स्लीपर्स, वही सेम पार्ट है स्लीपर्स का, हमें सिर्फ आसी स्लीपर्स याद रखना, डायमेंशन इसके भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 205 320 सब याद करने की कोशिश करोगे, नहीं आता क्वेश्चन इस पे। आगे हम स्टैंडर्ड बिलास का साइज देखेंगे, स्टैंडर्ड स्लीपर का साइज देखेंगे, बस वही याद रखनी है, आएंगे आगे स्टैंडर्ड साइज में, जैसे हमने पहले है। इससे जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ स्लीपर डेंसिटी, 90% क्वेश्चन स्लीपर डेंसिटी से आएगा और न्यूमेरिकल आएगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लीपर डेंसिटी है। अगर ये आपको समझ आ गया टॉपिक तो हमारा सारे पैरामीटर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी के नंबर ऑफ स्लीपर यूज पर रे लेंथ ऑफ अ ट्रैक इज नोन एज स्लीपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्लीपर, द नंबर ऑफ स्लीपर यूज पर रे लेंथ ऑफ अ ट्रैक इज नोन एज स्लीपर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्लीपर्स। जनरली कितनी वैल्यू होती है इसकी, n प्लस 3 टू n प्लस 6 फॉर मेन ट्रैक्स, तो जनरली स्पेसिंग क्या रहती है हमारी, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, n प्लस 3 टू n प्लस 6 फॉर मेन ट्रैक्स। इंडिया में स्टैंडर्ड क्या यूज होती है, 18 स्लीपर पर रेल लेंथ, 18 स्लीपर पर रेल। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इस सारे पैरामीटर्स को हमें पूरा न्यूमेरिकली समझना पड़ेगा कि कैसे पैरामीटर्स में ये वर्क करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले स्लीपर डेंसिटी समझते हैं, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, ये मेरा एक रेल ट्रैक है, मतलब एक रेल ट्रैक मतलब एक रेल लेंथ है, वन रेल लेंथ, इस वन रेल लेंथ में मैं समझूं मेरे कितने स्लीपर्स लगाए जा रहे हैं। अगर मैं देखूं ये मेरे स्लीपर्स हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कितने ये मेरे स्लीपर्स हैं, ये कितने प्रोवाइड होंगे, दैट इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ जब भी आप देखोगे आपका एग्जैक्टली आ जाएगा स्लीपर डेंसिटी कितनी होती है।
अब इसमें मतलब क्या होता है, n प्लस 3 टू n प्लस 6 का मतलब क्या है? नेक्स्ट पैरामीटर क्या समझेंगे हम, n प्लस 3 टू n प्लस 6 का मतलब क्या है? अब ये n जो वैल्यू है ये क्या होती है, स्टैंडर्ड रेल लेंथ। अब मुझे पिछला लेक्चर रिकॉल करना पड़ेगा, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था लास्ट लेक्चर रेल्स का पढ़ा था हमने, मुझे क्या बता सकते हो ब्रॉड गेज की स्टैंडर्ड रेल लेंथ क्या होगी? 12.8। तो अगर हम देखें 12.8 स्टैंडर्ड रेल लेंथ है, तो n प्लस 3 अगर मैं करूं, अगर मेरे को स्लीपर डेंसिटी n प्लस 3 दे रखी है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे? तो n की वैल्यू क्या होगी? 12.8, क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रॉड गेज के लिए कितनी है, तो 12.8 प्लस 3 कितना हो गया? और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आंसर क्या होगा? 16 होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आंसर क्या होगा? 16। तो ये क्या मुझे बताता है, नंबर ऑफ स्लीपर बताता है। आपने मुझे क्वेश्चन में बताना है अगर n प्लस 6 गिवन होगा तो ब्रॉड गेज के लिए कितनी होगी बताइए? n प्लस 6 स्लीपर डेंसिटी है मेरी, n प्लस 6 क्या है मेरी स्लीपर्स डेंसिटी है, तो कितने होंगे स्लीपर्स? 12.8 प्लस 6 कितना हो गया? तो 19 स्लीपर्स, क्योंकि पॉइंट्स में तो डालेंगे नहीं स्लीपर्स, तो क्या होगा 19 स्लीपर्स। तो इजी है क्वेश्चन। अब यहां से समझते हैं, एक पॉइंट और होता है, सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर स्लीपर इज 30-45 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर सेंटर डिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है 75 अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स में। 30-45 याद रखिएगा डिस्टेंस में स्लीपर, नेक्स्ट स्लीपर्स के बीच में 75-90। इस न्यूमेरिकल को समझेंगे अब दोबारा, हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में समझते हैं इसको। नंबर सेकंड से ही ट्राई करते हैं, आपको सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है क्या होगी इसकी वैल्यू सेकंड क्वेश्चन की। फॉर अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ n प्लस 5 द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 650 मीटर इज, एक ही ऑप्शन आ रही है 918 और एक की आ रही है 900, ठीक है। दैट इज द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो हमेशा आता है पेपर में, और इन्हीं दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहती है 900 918। समझते हैं अब इस क्वेश्चन को। पहले देखिए इन्होंने क्या कहा, मेरा ट्रैक कितना बड़ा है, 650 मीटर का, हमें काम कितने पे करना है, हमें दे रखा है कि कौन सा गेज है, ब्रॉड गेज इज टोटली गिवन, ब्रॉड गेज मुझे गिवन है, तो ब्रॉड गेज मतलब कितना है, 12.8 मीटर का एक क्या होगा, रेल होगा, ठीक है। तो अगर मैं 12.8 मीटर की एक रेल देखूं, ऐसी मेरी कितनी रेल्स होंगी, तो मैं नंबर ऑफ रेल्स निकाल सकता हूं इस 650 मीटर ट्रैक में, नंबर ऑफ रेल्स कितनी होगी मेरी, 650 डिवाइड बाय 12.8, ठीक है ना जी। ये पूरी मेरी अगर 650 की रेंज है और एक रेल कितने की है 12.8 की, तो नंबर ऑफ रेल्स आ जाएंगे कितना रहा, 50.79। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, 51। मुझे पता है मेरे कितनी रेल्स लग रही है, 51 रेल्स लग रही है। अब स्लीपर डेंसिटी की बात करते हैं, स्लीपर डेंसिटी की बात करें अगर हम, कितनी दे रखी है, n प्लस 5, n क्या है मेरा, तो कितना हो गया, 18 स्लीपर्स
मतलब एक रेल लेंथ में मेरे कितने स्लीपर्स हैं? 18 और टोटल स्लीपर्स, टोटल रेल्स कितनी है मेरे पास? 51 और एक रेल में कितने स्लीपर्स हैं? 18 तो टोटल स्लीपर्स कितने हो जाएंगे? 51 into 18 तो कितना आंसर आया? 918 is the exact answer. अब प्रॉब्लम क्या होता है, कहां से हमारा आंसर इसमें गलत होता है? हम 12.8 की जगह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लेके चलते हैं इसको? 13. अगर आप इसको मैं सिमिलर क्वेश्चन को मैं 13 के पैरामीटर से करूं, सेकंड पार्ट में समझते हैं. ब्रॉड गेज मैंने मान लिया था, यहीं से देखा 13 कर दिया, 13 divided by 650 कितना हुआ? 50. टोटल स्लीपर कितने आए? 18 into 50 करूंगा कितना आ गया? 9. तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 918 होगा. अब पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको खुद पर्सनली रिकमेंड करूंगा 12.8 से डिवाइड करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा. अगर आप कोई चीज 12.8 से डिवाइड करके कर रहे हो, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है. अगर आप एक, मैंने क्वेश्चन में पहले से भी बताया, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं 5 मिनट लगा देते हो, उसके सही होने के बाद भी वो हमारे लिए गलत ही माना जाएगा पेपर के लिए, क्योंकि उस 5 मिनट में बाकी कॉम्पिटिटर्स जो आपके स्टूडेंट्स हैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके होंगे, चाहे वो 2 गलत भी कर जाए, आप एक सही कर रहे हो बट उनकी वेटेज ज्यादा है. अब समझते हैं इसको कैसे आप देखोगे, कब 12.8 यूज करोगे, कब 13 यूज करोगे. अगर ये चीज समझ आ गई तो हमारा पार्ट इजी है. जब मेरी ऑप्शंस बहुत पास पास में है तो आपको एक्यूरेट चलना पड़ेगा 12.8. जब मेरी ऑप्शंस बहुत पास पास में है तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट चलना पड़ेगा. अगर मेरी ऑप्शंस दूर है, ऐसे होते 600 800 1000 1200, तब आप डायरेक्टली 13 पैरामीटर को लेकर चलिए. जहां पे आप 12.8 यूज कर रहे थे वहां क्या यूज करोगे? 13 यूज कर सकते हो. 12.8 की जगह